गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारा लेसन चल रहा था लेसन नंबर 3 अनुवांशिकी जेनेटिक्स। और मैंने आपको जेनेटिक्स की कुछ शब्दावली बताई थी और अभी हमारी कुछ शब्दावली बची हुई हैं जिनकी परिभाषा मैं आपको समझा रही हूं। शब्दावली में हमारा आता है लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि बच्चों आपने लंबे पौधे देखे होंगे और बौने पौधे देखे होंगे, छोटे और बड़े पौधे। लंबे तो जो मटर के पौधों को ही अगर हम लें तो कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ बौने होते हैं। तो जो लंबे पौधे होते हैं वो देखने पर हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे। और जो बौने पौधे हैं वो देखने पर हमें कैसे दिखाई देंगे, बौने। जो लंबे पौधे हैं तो उनमें क्या होता है, दो प्रकार के लंबे हो सकते हैं, एक तो बिल्कुल शुद्ध लंबे और एक होते हैं अशुद्ध लंबे। शुद्ध लंबे में जो युग्म विकल्पी हैं वो दोनों कैपिटल टी होंगे और अशुद्ध लंबे में जो युग्म विकल्पी हैं वो एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। तो देखिएगा, इसी प्रकार से जीन प्ररूप, जीन प्ररूप में क्या है कि अंदर कौन से युग्म विकल्पी है, अगर हम क्लियरली उसको बाहर से तो नहीं देख पाते लेकिन उसकी आनुवंशिकीय रचना को हम देख पाते हैं। तो आनुवंशिकीय रचना में अगर बिल्कुल शुद्ध लंबा है तो दोनों शुद्ध लंबा है तो बिल्कुल इसमें दोनों के दोनों युग्म विकल्पी कैपिटल टी होंगे। और अगर वो अशुद्ध लंबा है, लंबा तो है लेकिन हमें इसकी जीन प्ररूप देखना है, उसका अनुवंश की रचना देखनी है, तो अशुद्ध लंबे में एक कैपिटल टी होगा युग्मक विकल्पी और एक होगा स्मॉल टी। पिछले जो आपका टर्म था उस पर हमने देखा था, संकरण करवाया था लंबे और बौने पौधे में। तो लंबे और बौने पौधे में जब हमने संकरण कराया था तो हमने जो पिता था वो लिया था लंबा और माता ली थी बौने। दोनों के युग्मकों ने संयोग किया और संतान प्राप्त हुई। वो संतान जो प्राप्त हुई वो सभी के सभी कैसे थे, लंबे थे, सभी के सभी लंबे थे। तो हमने देखा, हमने तो दो गुण लिए थे, मतलब लक्षण वही था लंबाई वाला, और लंबाई में दो वो क्या थे, विप्रयासी लक्षण थे। तो जैसे कि एक तो लंबा था और एक माता जो थी बोनी थी, तो बच्चों में से ऐसा होना चाहिए था कि कुछ बच्चे तो लंबे होते, कुछ कैसे होते, बोने। लेकिन F1 पीढ़ी में क्या थे कि सभी के सभी कैसे थे, लंबे थे। यानी कि क्या हुआ उसमें कि जो बोनापन था उस वो कैसा रह गया, दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कैसा दिखाई दिया हमें, लंबा। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। तो हम परिभाषाएं आपको बताते हैं, आप इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। देखिए, लक्षण प्ररूप फिनोटाइप, मटर के पौधों को जब हम बाहर से देखें तो बाहर से अगर सारे के सारे लंबे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसा है, उसका लक्षण है। जैसे किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को जो बाहर से दिख रही है, जो बाह्य प्रतीति है उसी को ही हम क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे दो प्रकार के युग्मकों से होंगे, जैसे युग विकल्पी होंगे वो होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी युग विकल्पी। तो दोनों जब शुद्ध लंबे हैं, दोनों युग विकल्पी जब कैपिटल टी हैं तो भी पौधे कैसे होंगे, लंबे। और अगर एक कैपिटल टी आ गया तो भी पौधे कैसे होंगे, लंबे। तो बाहर से जो दिखाई देता है, बाह्य जो प्रतीति होती है सजीव की, उसे हम कहते हैं लक्षण प्ररूप। क्या कहेंगे बच्चों, लक्षण प्ररूप। अब देखिए, तो लक्षण प्ररूप है। अगर हम इसी लक्षण प्ररूप की अनुवांशिकीय रचना देखें, अनुवांशिकीय रचना की उसके युग्म विकल्पी अगर देखें तो यहां पर शुद्ध लंबे में युग्म विकल्पी होगा कैपिटल टी और अशुद्ध लंबे में जो युग्म विकल्पी होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों ही लंबे हैं, यहां पर बाहर से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, दोनों ही कैसे हैं, लंबे। ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन अगर हम इनके युग्म विकल्पी देखें तो इसमें दोनों ही कैपिटल टी हैं और इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो इस तरीके की जो रचना देखी जाती है वो अनुवांशिकीय रचना है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल शुद्ध लंबा होगा क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, कैपिटल टी, और यहां पर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये कैसा होगा, अशुद्ध लंबा। और विषम युग्मजी है ये, देखिए विषम युग्मजी, सम युग्मजी जिसमें दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, समान, और विषम युग्मजी जिसमें दोनों युग विकल्पी कैसे हों, असमान। तो जीन प्ररूप, क्या देख रहे हैं बच्चों, जीन प्ररूप, जीनोटाइप, किसी सजीव की अनुवांशिकीय रचना। बाहर से देखने वाले को तो क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप,
लेकिन अगर हम आनुवंशिकीय रचना देखें तो उसे कहेंगे हम जीन प्ररूप, जैसे शुद्ध लंबा या अशुद्ध लंबा, और इनके युग्म विकल्पी कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये समयुग्मजी है और ये कैसा है, विषम युग्मजी। इसके बाद आते हैं प्रभावी लक्षण। जब हम लंबे और बोने पौधे का संकरण करवाते हैं, जो संतान प्राप्त होती है, तो उसमें लंबेपन का गुण ही दिखाई देता है, लंबापन ही प्रकट होता है, बोनापन प्रकट नहीं होता। तो जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण क्या होते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते, जैसे बोनेपन का नहीं प्रकट हो पाता, वह कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या है बच्चों, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को शो कर देगा, अभिव्यक्त कर देगा, वो कहलाएगा प्रभावी लक्षण, जैसे कि लंबापन। इसी प्रकार से वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वह कहलाता है अप्रभावी लक्षण, जैसे कि बोनापन। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों परिभाषा को। तो ये हमने आपको बताया लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे बच्चों, वंशागति के नियम। देखिए संकरण, तो संकरण में क्या हुआ बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक, और मादा युग्मक का क्या होता है, संयोग होता है, दोनों युग्मकों का क्या होगा बच्चों, संयोग, और उससे क्या प्राप्त होगी, संतति। ये नर युग्मक कहां से आए, जनक से, ये नर जनक है और ये मादा जनक है, इनसे क्या मिले हमको, युग्मक, और इन युग्मकों के संयोग से क्या प्राप्त हुई, संतति। युग्मकों के संयोग से जो संतति प्राप्त होती है, उस पीढ़ी को बोलते हैं बच्चों F1 पीढ़ी। और अगर हम लक्षणों को देखेंगे, अगर हम एक ही लक्षण ले रहे हैं, जैसे कि हमने लंबाई का ही लिया, तब तो उस संकरण को बोलेंगे एक संकर संकरण। जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें तो एक संकर संकरण, एक
संकट संकरण। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, एक ही लक्षण लेते हैं, तो होता है एक संकर संकरण। अगर दो ले लें बच्चों, दो लक्षण ले लें कि एक तो लंबाई का ले लें और एक फूल के रंग का ले लें, पुष्प के रंग का, तो दो लक्षण हो जाते हैं जब, तब इसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या है बच्चों, दो लक्षणों, दो लक्षण ले रहे हैं ना अलग अलग, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। तो दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो वो होगा द्विसंकर संकरण। इसके बाद देखें त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण में क्या होता है, तीन लक्षणों की वंशागति का, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। देखिए एक लक्षण की ले तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों की ले तो द्विसंकर संकरण, और तीन लक्षणों की ले तो त्रिसंकर संकरण, और बहुत सारे लक्षण ले ले बच्चों तो वो होगा बहुसंकर संकरण, बहुत सारे लक्षण एक साथ, तो बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण क्या होता है, बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। तो ये क्या होता है बच्चों, बहुसंकर संकरण। तो संकरण क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से संतति बनती है, और जो संतति बनती है उसे हम उस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी। अगर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें तो द्विसंकर संकरण, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें तो त्रिसंकर संकरण, और बहुत सारे एक साथ लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें, जैसा कि मटर में तो हमने सात प्रकार के विप्रयासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था मेंडल ने, तो वो होता है बहुसंकर संकरण। नोट कीजिए बच्चों इसे। अब जो संतति प्राप्त होती है उनका अगर अनुपात निकालें तो एक संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होगा वो कहलाएगा एक संकर संकरण अनुपात। क्या कहलाएगा बच्चों, एक संकर अनुपात। तो हम इसको इधर साइड में नीचे ही लिख देते हैं, एक संकर अनुपात। एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात, उनकी जो संतान है, संतति जो प्राप्त हुई है उसका अनुपात क्या होगा बच्चों, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात होगा एक संकर अनुपात। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं द्विसंकर अनुपात। और द्विसंकर अनुपात क्या है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, द्विसंकर अनुपात
द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात। देखिए एक संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा एक संकर अनुपात, और द्विसंकर संकरण से जो अनुपात, जो संतति का अनुपात प्राप्त होगा वो होगा द्विसंकर अनुपात। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। तो ये हमने आपको बताया कुछ शब्दावली, और भी शब्दावली हैं लेकिन हम पढ़ते पढ़ते आपको साथ में समझाते जाएंगे, इसे पढ़ाते हुए बीच बीच में एक दो शब्दावली और बच गई हैं वो मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगी। तो ये शब्दावली आपको आनी चाहिए बच्चों, अगर ये शब्दावली नहीं आती है तो फिर आपको मेंडल के वंशागति के नियम समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इनको ध्यानपूर्वक समझें। देखिए मेंडल ने जो मेंडलवाद दिया मेंडल का जो मेंडलवाद था जो आपको मैंने बताया था वो 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा, 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा, किसी ने इसको मान्य नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उनके तीन शिष्य थे बच्चों, ह्यूगो डुब्रिस, कॉल कॉरेंस, और एरिक वॉन शेरमैक। ये मेंडल के शिष्य थे, इन्होंने वापस से इन पर क्या किया, इनके नियमों पर जो मेंडलवाद था उस पर वापस से इनको पुनः क्या किया, पुनः खोज की, वापस से इनको शो किया सबके सामने, संसार के सामने। तो ये तीन शिष्य थे जिन्होंने मेंडलवाद को वापस से पुनः रखा। कौन कौन थे बच्चों? ब्रिस, कॉरेंस और शेरमैक, तीन शिष्यों ने मेंडल को वापस से पुनः रखा, पुनः खोज की इसकी, मेंडलवाद की। तो अभी इशारा हो रहा है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, मेंडलवाद। तो जिन पौधों का चयन किया संतति प्राप्त करने के लिए, उस पीढ़ी को क्या कहा, जनक पीढ़ी। तो हम कुछ परिभाषा और बता रहे हैं आपको, जनक पीढ़ी। जिन पौधों का चयन संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए किया गया, उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। सबसे पहले जो पौधे लिए गए थे, जिनका संकरण करवाया गया संतान प्राप्त करने के लिए, उसे क्या कहा, जनक पीढ़ी। तो उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। तो जिन पौधों का चयन संतति प्राप्त, संतान प्राप्त करने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा बच्चों, जनक पीढ़ी। अब इनका संकरण हुआ, संकरण के बाद संतान प्राप्त हुई, जो संतान प्राप्त हुई है जनक पीढ़ी से, उसे कहेंगे हम F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, जनक पीढ़ी के संकरण से, जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति, प्राप्त संतति क्या कहलाएगी बच्चों, F1 पीढ़ी, F1 जेनरेशन, F1 पीढ़ी कहते हैं। तो जनक पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त संतति है, उसे क्या कहेंगे हम, F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी से भी आगे जो पीढ़ी प्राप्त होगी, उसके संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी, उसे कहेंगे हम F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी है ये वाली, पहले तो जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी से संतान प्राप्त हुई, वो हुई F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का भी संकरण कराएं और जो संतान प्राप्त होगी वो होगी F2 पीढ़ी। तो हम लिख सकते हैं F1 पीढ़ी के संकरण से, संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, F2 पीढ़ी। अब ये जो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है बच्चों, इस F1 पीढ़ी का अगर हम प्रभावी जनक से अगर संकरण करवा दें, तो उसे कहेंगे बच्चों परीक्षण क्रो संकरण, उसे कहेंगे पश्च संकरण। किसी का भी करवा दो पश्च संकरण। तो ये परिभाषाएं आगे आएंगी बच्चों, अभी जब हम संकरण कराएंगे तभी हम आपको बताएंगे। बस अभी तो आप ये समझ लीजिए कि जनक पीढ़ी तो वो है जिनका चयन संतान प्राप्त के लिए किया जाता है, F1 पीढ़ी वो है जो जनक पीढ़ी के संकरण से संतति प्राप्त होती है, और F2 पीढ़ी वो है जो F1 पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त होगी संतति, संतान। नोट कर लीजिए, तो बच्चों मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए थे वो तीन नियम दिए थे। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि मेंडल के वंशागति के नियम बताइए कौन कौन से हैं, और नियमों को उनको अलग अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है,
इसे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर अभी तक नहीं समझा है तो अब ध्यान लगाकर समझिए और नोट भी करना है आपको। तो हम बता रहे हैं मेंडल के वंशागति, ये तो अभी हमने परिभाषाएं बताई थी पहले, तो कुछ शब्दावली। अब हम शुरू करें मेन टॉपिक, मेंडल के वंशागति के नियम। क्वेश्चन आता है बच्चों मेंडल के वंशागति के नियम, तीन नियम हैं वंशागति के, तीन नियम हैं। देखिए कौन कौन से हैं, हम तीन नियम लिख रहे हैं। पहला नियम, पहला नियम है बच्चों प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, मेंडल के वंशागति के नियम देख रहे हैं और तीन नियम हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है बच्चों पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, और इसी का ही दूसरा नाम है बच्चों, इसी नियम का, दूसरे नियम का नाम है युग्मकों, युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम है बच्चों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो क्वेश्चन आ जाए मेंडल के वंशागति के नियम लिखिए। तो मेंडल के वंशागति के तीन नियम हैं, नंबर एक प्रभाविता का नियम, नंबर दो पृथक्करण का नियम या इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अब हम एक एक नियम को एक एक करके लेकर चलेंगे। इससे पहले हम संकरण को समझाएंगे जिसमें जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी के बारे में आपको जानकारी देंगे बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए। तीन नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक एक करके इन नियमों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा संकरण आपको समझाएं जिससे कि ये नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले संकरण समझा रहे हैं आपको, एक बार मैं समझा चुकी हूं पिछली क्लास में, वापस से देख लीजिए। संकरण देखिए, जनक लिए हमने, जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी में नर और मादा लेंगे, तो हम शो कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से, नर ऐसे शो करेंगे नर को और इस तरीके से शो करेंगे मादा को। तो जनक पीढ़ी में हमने नर और मादा, पादप लिए, पादपों का चयन किया, यानी कि नर पादप तो क्या होता है, नर भाग है, नर युग्मक है, तो पादप तो क्या होता है, पुष्प में होते हैं भाग, तो हम इसको पादप नहीं लिखेंगे बल्कि ये क्या है, नर युग्मक है और मादा युग्मक है, तो हमने जनक लिए हैं। अब देखिए, हमने जो नर लिया वो लिया हमने शुद्ध लंबा,
और शुद्ध लंबेपन के लिए युग्मक हमने बताए थे बच्चों, युग्म विकल्प भी बताए थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये है जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी में हमने कैसा पादप लिया बच्चों, शुद्ध लंबा। मादा में लिया हमने शुद्ध बोना, और शुद्ध बोना को हमने लिखा स्मॉल टी और स्मॉल टी से। आ रही है आपको समझ में? अब इससे नर से जो युग्मक प्राप्त होंगे, युग्मक प्राप्त होंगे बच्चों, नर युग्मक, और मादा से जो प्राप्त होंगे वो होंगे मादा युग्मक, और वो युग्मकों को शो कर रहे हैं, वो चिन्ह जो शो कर रहे हैं ऊपर, वो युग्मकों को शो कर रहे हैं। नर युग्मक के लिए ये चिन्ह होगा, मादा युग्मक के लिए ये चिन्ह होगा। तो नर युग्मक मिला हमें स्मॉल टी। युग्म विकल्पी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, युग्म विकल्पी क्या हो गए? अलग अलग हो गए, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी तरीके से स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये युग्मक मिल गए बच्चों। ये है मादा युग्मक, बता दिया आपको। जनक पीढ़ी ली, जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबा लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी शुद्ध बोना, और इनके युग्मक प्राप्त किए। अब इनमें करवाया संकरण बच्चों, तो पहले भी समझाया था आपको, अगर हम इस वाले युग्मक का संकरण उन दोनों मादा के उन दोनों युग्मकों से अगर कराएं, इससे करा रहे हैं, इसके बाद इससे कराएं इसका, इसी तरीके से इस वाले नर के युग्मक का इन दोनों से कराएं, या फिर इस तरीके से कराएं। तो ये हो रहा है बच्चों संकरण, ठीक है बच्चों? ये क्या हो रहा है? संकरण। और किसमें हो रहा है? युग्मकों में, नर युग्मक में और मादा युग्मक में। देखिए ये वाला युग्मक इस युग्मक से जुड़ता है तो बनता है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी। ये युग्मक जब इस युग्मक से जुड़ता है बच्चों तो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला युग्मक इस युग्मक से जुड़े तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से ये वाला युग्मक इसके साथ जुड़े तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्राप्त हुई है बच्चों संतान। क्या प्राप्त हुई है? ये संतान। और जो संतान प्राप्त हुई है जनक पीढ़ी से, तो इस संतति को बोलते हैं हम F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। और ये क्या प्राप्त हुई है? संतति। किसकी? जनक पीढ़ी की। अब देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना लिया था, और यहां पर जितने भी पौधे प्राप्त हुए, जितने भी संतान प्राप्त हुई, सभी कैसे थे? लंबे। लेकिन लंबे कैसे थे? विषम युग्मजी। कैसे है ये? विषम युग्मजी। देखिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये विषम युग्मजी है। और यहां पर ये कैसे थे? सम युग्मजी, कि दोनों युग्म विकल्पी कैसे थे? समान। और यहां पर दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? असमान। तो इसे क्या कहा? विषम युग्मजी। सारे के सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे। तो ये F1 पीढ़ी है और इसमें सारे के सारे संतान है वो लंबी प्राप्त हुई है, और बाहर से देखने पर ये कैसी है? बिल्कुल लंबी है। लेकिन अगर इसकी
अनुवांशिकीय रचना देखें तो इसमें कैसा है, विषम युग्मजी लंबे हैं, ये अशुद्ध लंबे हैं। ये वाला तो शुद्ध लंबा था बिल्कुल, जो जनक था, और अशुद्ध बोने थे। यहां पर सारे के सारे ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना बिल्कुल शुद्ध थे दोनों के दोनों, लेकिन यहां पर जो प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ, अशुद्ध लंबा। ये कैसा है, अशुद्ध। ये चारों के चारों कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे। यहां पर क्या हुआ बच्चों, देखिए कैपिटल टी से युग्म विकल्पी से होता है लंबा और स्मॉल टी से होता है बोना। इसमें दोनों ही आ रहे हैं, कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी, तो यहां बोनेपन का गुण भी तो आना चाहिए, लेकिन लंबे वाले ने क्या किया, बोने वाले को आने ही नहीं दिया, प्रकट ही नहीं होने दिया। तो F1 PD में जो गुण प्रकट होता है वह होता है प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होता वो कैसा होता है, अप्रभावी लक्षण। तो यहां पर देखिए बच्चों सारे के सारे लंबे हैं, तो यहां पर कैसा है, लंबापन प्रभावी है और बोनापन कैसा है, अप्रभावी, जबकि युग्म विकल्पी दोनों हैं। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वो यही बताता है कि F1 PD में जो गुण प्रकट हो जाते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो इसे ही क्या कहा, प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है बच्चों, कि F1 PD में कुछ गुण प्रकट हो जाते हैं और कुछ गुण प्रकट नहीं होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रभाविता का नियम। तो ये F1, ये जनक पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी। अब F1 पीढ़ी की संतान, F1 पीढ़ी का भी संकरण करवाया जाए, क्या करवाया जाए बच्चों, संकरण करवाया जाए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो जो संतान प्राप्त होगी, जो संतति प्राप्त होगी F1 पीढ़ी से, जो संतति प्राप्त होगी वही होगी F2 पीढ़ी। क्या होगी बच्चों वो, F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के संकरण से जो संतान प्राप्त होती है वो होगी F2 पीढ़ी। अभी टाइम कम है बच्चों, तो हम आगे का संकरण आपको नहीं बता पाए, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, और वो होगी F2 पीढ़ी। तो अभी आप इसी को नोट कर लीजिए, ये हमने जनक पीढ़ी और F1 पीढ़ी तक आपको बता दिया है, नेक्स्ट टर्न पे हम F2 पीढ़ी लेकर चलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, नेक्स्ट टर्न पे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स।